बीजेपी में शिवराज के बाद सिंधिया का नंबर। सिंधिया को मध्य प्रदेश में सीएम उम्मीदवार बनाएगी बीजेपी। अचानक राहुल को लेकर इतने आक्रामक क्यों हो गए सिंधिया? सिंधिया के राहुल पर वार की क्या है वजह? निशाना कहीं और तो नहीं? मध्य प्रदेश की राजनीति में पहली बार ऐसा मोड़ आया है जिसे समझना और समझकर लिख पाना राजनीतिक विश्लेषकों के लिए भी बड़ी चुनौती है। ज्योतिरादित्य सिंधिया 3 साल पहले कांग्रेस का दामन छोड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। 3 साल तक सिंधिया खामोश थे, हर मुद्दे पर बोल रहे थे, लेकिन बात राहुल गांधी की आती तो अक्सर वो खामोश हो जाते थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब मध्य प्रदेश में एंट्री ली तो सिंधिया के बयान ने बीजेपी में खलबली मचा दी थी। संकेत मिल रहे थे कि सिंधिया घर वापसी की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कर दिया कि सिंधिया के लिए कांग्रेस के दरवाजे बंद हैं। इसके बाद जयराम रमेश ने तो सिंधिया को गद्दार तक बता दिया, लेकिन सिंधिया ने उस समय भी राहुल गांधी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं की। लेकिन अब अचानक ही सिंधिया के निशाने पर राहुल गांधी आ गए हैं। अपने दोस्त और पूर्व कांग्रेस के अध्यक्ष के खिलाफ अब सिंधिया खुलकर बोल रहे हैं। जयराम रमेश से इसे लेकर सिंधिया ट्विटर पर भी भिड़ गए। एमपी विधानसभा चुनाव से 6 महीने पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया के तेवरों को देखकर कई तरह के सवाल हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में अपनी साख बचाने के लिए ऐसा रूप दिखा रहे हैं, जबकि सिंधिया समर्थकों का दावा है कि पार्टी उन्हें शिवराज के विकल्प के रूप में तैयार कर रही है, इसलिए सिंधिया को अपनी रणनीति में बदलाव करना पड़ रहा है। तो सियासी जानकार कहते हैं कि सिंधिया हाईकमान के दबाव में राहुल गांधी पर निशाना साध रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 4 दिन पहले कहा था कि राहुल गांधी और कांग्रेस ने अपनी व्यक्तिगत लड़ाई को लोकतंत्र की लड़ाई बता दिया है। मैं फर्स्ट क्लास और तुम थर्ड क्लास वाली मानसिकता ही कांग्रेस का चेहरा और चरित्र है। राहुल गांधी एकदम निचले स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के इस बयान के बाद कांग्रेस शोले की तरह धधक पड़ी। कांग्रेस के नीचे से ऊपर तक के नेताओं ने एक ही सुर में सिंधिया को जमकर सुनाया। कांग्रेस ने सिंधिया पर जितना निशाना साधा, राजनीति में उनका कद उतना ही बढ़ता गया। जयराम रमेश और सिंधिया के बीच तो इतिहास के पन्ने ही पलट दिए गए। सावरकर, नेहरू, लक्ष्मीबाई से लेकर पूरा सिंधिया राजघराने का इतिहास खोलकर सामने रख दिया गया। शुरुआत जयराम रमेश ने सुभद्रा कुमारी चौहान की कविता से ट्वीट करते हुए लिखा, अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी से किया। जवाब में सिंधिया ने नेहरू की किताब पढ़ने की सलाह देते हुए कहा कि कविता कम और इतिहास ज्यादा पढ़ें। इसके जवाब में जयराम रमेश ने फिर ट्वीट कर लिखा, इतिहास की कोई किताब उठा लीजिए, 1857 में रानी झांसी के साथ गद्दारी के मुद्दे पर सभी इतिहासकार एकमत हैं। आपके नए भगवान सावरकर ने भी अपनी किताब 1857 का स्वतंत्र समर में रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे और अन्य लोगों के साथ सिंधिया की गद्दारी का जिक्र किया है। इतिहास आप पढ़िए। सिंधिया ने भी तुरंत जवाब दिया और सिंधिया ने लिखा, कभी 1857 के वीर शहीद तात्या टोपे के वंशज पराग टोपे की खुद की लिखी किताब ऑपरेशन रेड लोटस पढ़िए, ज्ञात हो जाएगा किस प्रकार हम मराठे, सिंधिया, पेशवा और झांसी के नेवालकर अंग्रेजों के विरुद्ध एक साथ थे। मराठा आज भी एक है, कृपया यह विभाजनकारी राजनीति बंद करें। सिंधिया के बदले तेवरों के पीछे बीजेपी की बदली रणनीति को बड़ी वजह माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी लंबे समय से सत्ता में होने के कारण उनके साथ नेताओं की छवि अब उतनी अच्छी नहीं रही है। ऐसे में कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस से ही हाल में आए नेताओं को आगे किया जा रहा है। सिंधिया की छवि पर कोई दाग नहीं है, युवाओं में खासा लोकप्रिय है। इससे साफ संकेत है कि सिंधिया और बोलेंगे एमपी में अभी लड़ाई राहुल और सिंधिया के बीच नहीं है, बल्कि दिग्विजय और सिंधिया के बीच है, क्योंकि ग्वालियर चंबल रीजन यहाँ सिंधिया का प्रभाव है। वहाँ कमलनाथ की जगह कांग्रेस में दिग्विजय का प्रभाव ज्यादा है। सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ी थी, इसके पीछे भी वजह दिग्विजय सिंह को ही माना गया था और दिग्विजय इस समय इस रीजन में लगातार दौरा कर रहे हैं। साफ है आने वाले समय में सिंधिया के तेवर और तीखे होंगे, क्योंकि उनके निशाने पर भी मध्य प्रदेश में सीएम पद है।
अगर बीजेपी ने ग्वालियर चंबल रीजन में अच्छा प्रदर्शन किया तो यह कुर्सी सिंधिया को शायद मिल सकती है। और 2023 में मध्य प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो सिंधिया प्रदेश के नए मुख्यमंत्री हो सकते हैं।